अगर हम तो फिफ्थ से शुरू करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर अगर अपन फिफ्थ तक चले, एक्साइज क्वेश्चन 8.2, क्वाड्रिलेटरल 8.1, सॉरी 8.1 का वर्क कर रहे हैं हम लोग, 8.1 क्वाड्रिलेटरल का अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ डायगोनल एसी, डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल ए, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट। एक बात तो ये प्रूफ करने के लिए बोलता है कि बाइसेक्ट एंगल सी एस, इट बाइसेक्ट एंगल सी। सेकंड वो बोल रहा है प्रूफ करो कि एबीसीडी इज रोम्बस, एबीसीडी इज व्हाट, रोम्बस। सर ठीक है, दो पार्ट पूछे हैं क्वेश्चन में। अब अगर मैं थोड़ा सा इस पार्ट को समझने की कोशिश करूं कि वो बोल क्या रहा है कि भाई एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, मैं बोला चलो ठीक है मान लेते हैं आपकी तरफ से कि ए बी सी डी नमस्ते। एक क्या रहेगा आपके पास पैरेललोग्राम, अगर अपन लेके चले तो उनके हिसाब से ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। सर ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ई। ठीक है ना, आपको बोला एबीसीडी का ये जो डायगोनल एसी है वो बाइसेक्ट एंगल ए करता है, मतलब अगर ये एक्स है तो ये कितना है एक्स। तो क्या सर गिवन है कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू? यस, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू कितना एक्स गिवन है। गिवन है कि भाई एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम। कहीं ना कहीं ये बात मालूम करने की होती है कि अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो कैन वी से एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री? सर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री क्योंकि ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी, और ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि एक दूसरे को क्या मानते हैं, आंख, क्या मार रहे हैं आंख। तो ये टू बी के इक्वल। सर आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर क्योंकि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर। यहाँ पे कौन सी लाइन पैरेलल है, ए डी पैरेलल टू बी सी, और रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सर अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। सर ये बात तो आपकी प्रूफ ही हो गई इतनी सी बात से कि अगर वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, अगर वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है इसका मतलब फिर वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, बिकॉज आपका थ्री और फोर भी आपस में क्या होगा, इक्वल। वी नो दैट कि एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर इज इक्वल टू क्या होगा, सारे एंगल एक्स ही हो गए, तो इट बाइसेक्ट्स एंगल सी एज वेल, इट बाइसेक्ट्स एंगल सी एज वेल। तो सर पहला वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया, मैंने बोला हाँ पहला वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया, अगर आप नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाओगे तो और इजी है। मैं नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर इज इक्वल टू कितना एक्स। तो सर टू और फोर इक्वल है क्या, मैं बोला हाँ, तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर इक्वल टू कितना एक्स। तो ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, आइसोसेलेस। और अगर ये आइसोसेलेस हो गया तो अपन बोल सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू कितना बी सी, मतलब अगर याला एंगल और याला एंगल इक्वल है, ये साइड और ये साइड क्या हो, इक्वल ट्रायंगल। अगर पास पास वाली साइड्स इक्वल हो गई तो अपन बोल सकते हैं क्या, ए बी सी डी इज रोम्बस क्योंकि एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब पास पास वाली साइड्स, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो सर आपका ए बी सी डी क्या हो गया, रोम्बस, बिकॉज एडजेसेंट साइड्स क्या हो गई, इक्वल। आपका ए बी सी डी क्या हो गया, रोम्बस, बिकॉज एडजेसेंट साइड्स क्या हो गई, इक्वल। सर ठीक है, मतलब ये भी अच्छी बात, मैंने बोला हाँ अच्छी बात तो है। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 के भी चलूं
कि क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही है, बट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल के रखा है कि एबीसीडी इज रोम्बस। मैंने बोला ठीक है मान लेते हैं। इस बार उन्होंने ये बोल के रखा है कि भाई ए बी सी डी रोम्बस, ऐसा हम बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन ही बोल रहे हैं। उसको बोलना थैंक यू कि जहां उसने एबीसीडी को रोम्बस बोल दिया वहां उसने हमारी बहुत सारी बातें इजी कर दी। जहां एबीसीडी अगर मैं बात करूं, आपने एबीसीडी को क्या बोल दिया, एबीसीडी इज रोम्बस, तो आपने हमको बोल दिया कि सारी साइड्स इक्वली होंगी, मतलब ए बी बी सी सी डी ए डी सब क्या रहेंगी एक्स, तो सारी साइड्स क्या रहेंगी इक्वल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपने खुद ने ही बोल दिया कि डायगोनल बाइसेक्टर है 90, तो हम ठीक है। अब सबसे पहली बात वो ही, उसमें उल्टा पूछ रहा है इस क्वेश्चन, वो पूछ रहा है कि प्रूफ करो, टू प्रूफ कि एसी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी और बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। सर एक बात बोलूं, वो बोल रहे हैं कि बस प्रूफ करो कि तो वो ये प्रूफ चाहते हैं कि एंगल ए 1 और 2 क्या है इक्वल, वो चाहते हैं कि प्रूफ करो कि 3 और 4 भी क्या है। हम तो इतनी सी बात करेंगे सबसे पहले कि हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं स्टार्ट करूं प्रूफ के साथ, सर प्रूफ में आप क्या करोगे, सुनो ना यार प्रूफ में अपन कितनी अच्छी बातें करेंगे। सर ठीक है अगर आप बोल रहे हो प्रूफ में कैसी बातें करेंगे, तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या ए बी इज इक्वल टू बी सी है, दोनों साइड एक्स, तो ट्राइंगल ए बी सी ऑटोमेटिकली क्या हो, आइसोसेलेस। अगर ये आइसोसेलेस है अपन बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू ए, मतलब सर ये भी ए हो गया और ये भी क्या हो गया, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो 1 और 4 दोनों क्या हो गए। पता नहीं क्यों मेरी इच्छा है बोलने की कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि कौन सी लाइन पैरेलल है, 1 और 3, तो ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी, तो ये आंख मार रहे शायद, अरे सर हाँ यार ए बी पैरेलल टू कितना सी डी, आंख मार रहे और ए डी पैरेलल टू कितना बी सी, ए डी पैरेलल टू कितना बी सी, क्योंकि और यहां से ये आंख मार रहे, तो ये कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सर अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए तो 1 इक्वल टू 3, मतलब अगर ये ए है तो ये भी कितना हो गया ए, 2 इक्वल टू 4 तो ये भी क्या हो गया ए, तो सर इसका मतलब आप तो ऐसा बोल रहे हो कि 2 इक्वल टू 4, तो ये तो सारी एंगल ए हो गया ना, तो इसका मतलब ये भी ए ये भी ए ये भी ए ये भी ए, तो इसका मतलब एसी बायसेक्ट्स एंगल ए। चाहो तो सिमिलरली भी लिख सकते हो कि सिमिलरली लिख के बोल दो कि बी डी बायसेक्ट एंगल बी, अदरवाइज ये पूरी प्रोसेस वापस कर सकते हो। तो पूरी प्रोसेस वापस करने का मतलब क्या, फिर आप यहां से बी डी को, इसका मतलब क्या सर ये पूरी बीडी जोड़ ली और फिर स्टार्ट करो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल कौन सा ए बी डी, देखा क्या ए बी है ना, आप बोल दो बी ए इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू क्या एक्स, तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी डी क्या हो गया आइसोसेलेस। तो अगर ट्राइंगल ए बी डी आइसोसेलेस हो गया तो एंगल 7 is equal to angle 8 is equal to अपन B मान लेते हैं, angle 7 is equal to angle 8 is equal to कितना B, ठीक है। अब ये जो 8 है वो आंख मार रहा है किसको 9 को, और जो 7 है वो आंख मार रहा है किसको 10 को, तो ये तो आप लिखोगे क्योंकि वो triangle कौन सा है SLS, ठीक है ना। फिर आप क्या लिखोगे कि क्योंकि angle 7 is equal to कितना 10, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि यहां की ए बी और यहां की सी डी आपस में क्या है पैरेलल, तो ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी, एंगल 8
is equal to angle 9 क्योंकि BC parallel to क्या है AD, BC parallel to क्या है AD, तो क्या ये सारे एंगल BB हो गए क्या, हाँ सारे एंगल B हो गए, therefore it bisects angle B and angle D. सर क्या दूसरा वाला पार्ट करना जरूरी था याला? Not necessary, करना हो तो कर सकते A B C D, आपको रेक्टेंगल देके रखा है, डायगोनल AC, थोड़ा सा इसका फिगर अपन अच्छे से कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के साथ. आपको ए बी सी डी क्या बोल के रखा है, रेक्टेंगल, और बोला है डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C. आप तो भाई ए बी सी डी लिख लो. तो सर पहली बात तो ए बी सी डी गिवन क्या है, रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या हो गया आपके पास, रेक्टेंगल मतलब सारे एंगल क्या हो गए 90, सारे एंगल आपके क्या हो गए 90, ठीक है ना. आपको बोल के रखा है ए सी बायसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, बोला थैंक यू. तुमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज स्क्वायर, तो मैंने बोला यार इसके बाद तो सारी बातें अपने आप ही हो जाएंगी. बोला हाँ इसके बाद सारी बातें अपने आप हो सकती हैं, अगर मैं बात करूं और सिस्टमेटिक बात करूं तो ये अपना डायग्राम हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा ढंग से बना लेते तो. और बोल के रखा है एसी बायसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, मैंने बोला पहली बात तो बोल रहे हो ना एसी बायसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, तो ये पूरा 90 था तो ये 45 हो गया, 45 45, तो पहली बात तो जैसे ही 45 45 हो गया मैं वही चीज बोलूंगा इन ट्राइंगल ABC angle A is equal to angle C is equal to 45. तो angle A और angle C आपस में क्या हो, equal. तो triangle ABC is what? Isosceles. Triangle ABC is isosceles. इसका मतलब AB is equal to आ गया BC is equal to X. और अगर ये X, ये X, ये तो already rectangle का X ही होगा X. तो अगर पास पास वाली साइड्स इक्वल हो गए तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी. इसका मतलब इन शॉर्ट आपका ए बी सी डी इज स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स ही क्या होती है, इक्वल. तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अच्छी बात है. क्योंकि आपने अगर ये एक्स थी तो ऑटोमेटिकली ये तो एक्स थी क्योंकि अपोजिट साइड थी. अगर आपने पास वाली साइड को भी इक्वल कर दिया दोस्तों तो इसका अर्थात तो यही हुआ कहीं ना कहीं, अगर लेके चले तो सर पूरा एबीसीडी क्या हो गया. अभी सर पूरा एबीसीडी स्क्वायर हो गया तो वो बोल रहा है प्रूफ करो कि बीडी बायसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी. मैंने बोला ठीक है, अगर आप खुद ही चाहते हो कि ये बीडी, आपको बोल के रखा है प्रूफ करो कि भाई बीडी अगर अपन लेके चले अच्छे से, तो आपको बोल के रखा है BD bisects एंगल B एंड एंगल D. अब इसमें करना क्या है, मैं तो ये बोलूंगा सीधी बात है, आप तो कुछ मत बोलो, इन ट्राइंगल ACD बोल दो, इन ट्राइंगल ACD ये रहा, सॉरी ACD नहीं ABD, ABD तो ये रहा ABD. मैं तो क्या बोलूंगा कि भाई AD इक्वल टू AB इक्वल टू X है, भाई ये साइड भी X है और ये साइड भी क्या है X, तो मैं सीधे बोल दूंगा क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ट्राइंगल ABD क्या होगा आपके पास आइसोसेलेस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू A, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू कितना A. सिमिलरली यहाँ पे 3 2 is equal to क्या होगा 3 और 1 is equal to क्या होगा 4, 2 3 को आंख मार रहा है, 1 4 को आंख मार रहा है, क्योंकि AB parallel to क्या है CD, AD parallel to क्या है BC, तो 2 3 को आंख मार रहा है और 1 4 को आंख मार रहा है. इस सारे केस में
ट्राइंगल्स, ये क्या, ये एंगल आपस में क्या होगा इक्वल, तो ए ए ए ए तो बी डी बायसेक्ट एन एंगल डी। सोचो समझो और जवाब दो। कुछ इस प्रकार एबीसीडी इज अ पैरेलोग्राम, मैंने बोला ठीक है एक्सेप्टेड, चलो आपकी बात मान लेते हैं कि ए बी सी डी आपको पैरेलोग्राम दिया। सर अगर एबीसीडी ए बी सी डी इस पैरेलोग्राम, ठीक है ना, और आपको बोल के रखा है दिस बीडी इज अ डायगोनल, सर ठीक है। अगर बात करें P and Q are the points, P और Q points हैं, such that given है, ध्यान रखिएगा, BP is equal to DQ, ये first part given है, BP is equal to what? हाँ, और A, B, C, D क्या है? Parallelogram। अभी प्रूफ तो बहुत सारी बातें करनी है इसके अंदर, मैं आपको कुछ ट्राइंगल्स को शेड करके सिखाऊंगा। मेरे लिए प्लीज ये ट्राइंगल ले लो अगर चाहो तो, सिस्टमेटिक तरीके से एपी भी ले लो एक तरफ और डीक्यूसी ले लो। तो सर इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल डीक्यूसी, कैन वी से एबी इज इक्वल टू सी? सर ए बी इक्वल टू सी डी क्यू, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम, तो पैरेलोग्राम की क्या है वो अपोजिट साइड्स। सर ठीक है सही बात है, आपने सही बोला। क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी बीपी इज इक्वल टू इसकी डी क्यू, बीपी इज इक्वल टू व्हाट डी क्यू, क्योंकि ये गिवन है, ऊपर ही गिवन था ना, ये गिवन ही तो है, और बीपी इज इक्वल टू डी क्यू, और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि कौन सी लाइन्स पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू क्या है सी। तो सर अगर अपन बात करें तो एस ए एस एस ए एस, तो ट्राइंगल तो कॉन्वेंट हो गया बाय वॉट SAS। सर बाय CPCT क्या लिखना चाहूंगा, मैं बाय CPCT लिखना चाहूंगा दोस्तों, बाय CPCT AP is equal to QC, मेन बात तो ये। सर ठीक है अच्छी बात है, आपने बोला हमने लिखा, मतलब आप दूसरे ट्रायंगल ये इस तरफ को BPC और AQD, अगर अपन बात करें BPC और AQD, अगर मैं लेके चलूं तो इन ट्राइंगल कौन कौन से, सर अगर आप लेके चलोगे तो इन ट्राइंगल डी पी सी याला और ट्राइंगल ए क्यू डी याला, ठीक है ना, तो सर बीपीसी और कौन सा ए क्यू डी। सर ठीक है, मतलब ये अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ अच्छी बात है। अब अगर आप बोलोगे तो मैं बोल सकता हूँ इसकी ए डी इज इक्वल टू उसकी क्या BC, फिर आप क्या बोलेंगे वही BP, इसमें BP है ये नहीं, और इसमें क्या है D, और इसका एंगल 3 इज इक्वल टू इसका एंगल 4, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या था गिवन था, ये क्या था अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो सर बाय SAS ये ट्रायंगल भी क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, S A और S S A S, तो ट्राइंगल तो कॉन्वेंट हो गया S S by CPCT, आप क्या बोलना चाहते हैं by CPCT, मैं बोलूंगा इसका AQ is equal to इसकी PC, AQ is equal to कितना PC, और सर अगर AQ is equal to PC है तो बस, तो फिर अपन बोल सकते हैं इन फिगर ए पी सी क्यू
बताओ इक्वेशन वन क्या बोल रही है, AP इज इक्वल टू CQ। इक्वेशन टू क्या बोल रही है, अगर दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ फिगर इक्वल है, इक्वल होगी तो पैरेलोग्राम प्रूफ हो जाएगा। AP CQ इज पैरेललोग्राम।